मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को दुनिया भर में करोड़ों हिंदुओं के अलावा उनके धर्म और संप्रदाय के लोग भी अपना आदर्श मानते हैं। श्री राम के नर लीलाओं के मंचन से विघटित हो रहे समाज को एक नई दिशा मिलती है। सदियों से रामलीला का मंचन न सिर्फ समाज को संगठित और आदर्श जीवन जीने की सीख देती रही है, बल्कि यहाँ सिने जगत के सुपरस्टारों के लिए भी रंगमंच की प्रथम पाठशाला भी रही है। वर्तमान सुपर स्पीड 5G इंटरनेट के जमाने में भी रामलीला नवोदित कलाकारों के लिए पहली पाठशाला बनी हुई है। वर्तमान समय में अनेक जनपदों के ग्रामीण अंचलों में आयोजित हो रही रामलीला के दौरान कई ऐसे बाल कलाकार उभर कर आए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। इसी क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग दशचूला क्षेत्र अगस्तमुनि ब्लॉक के बिजराकोट गांव में हाल ही में आयोजित रामलीला में खुशी पवार और तमन्ना पवार ने भगवान राम और लक्ष्मण का और शालिनी पवार और वर्षा बुटोला ने सीता और सुमंत का शानदार अभिनय कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह चारों कलाकार जब भी स्टेज पर पहुंचते राम भक्त खुशी से तालियां बजाकर इनके सराहनीय अभिनय को प्रोत्साहित करते। इन कलाकारों को तैयार करने में गुरु देवेंद्र सिंह पवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने एक महीने का प्रशिक्षण देकर इन कलाकारों की कला को निखारा है। समाज सेवी सुदर्शन सिंह नेगी का कहना है कि इस तरह के बाल कलाकारों को उन्होंने अपने क्षेत्र में पहली बार देखा है। उन्होंने इन बाल कलाकारों के माता पिता को धन्यवाद दिया है जिन्होंने इतने अच्छे कलाकारों को जन्म दिया। सुदर्शन नेगी इन कलाकारों की कला को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनके अभिनय के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित और प्रचार किए। वहीं रामलीला कमेटी ग्राम बिजराकोट और समस्त क्षेत्रवासियों ने इन चारों बाल कलाकारों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। आपको बता दें कि विगत दिनों ग्राम पंचायत बिजराकोट में आयोजित रामलीला में राम लक्ष्मण सीता सुमंत और भरत के पात्रों का शानदार अभिनय महिलाओं के द्वारा किया गया, जिनका अभिनय सबके मन को भा गया। इन बाल कलाकारों को यूं ही अपनी कला के प्रदर्शन के साथ गुरु का मार्गदर्शन मिलता रहे तो वह दिन दूर नहीं जब ये बाल कलाकार बड़े पर्दे पर अपने क्षेत्र और प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन करेंगे। भानु प्रकाश नेगी, हिमवंत प्रदेश न्यूज, बिजराकोट गांव, रुद्रप्रयाग।